नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। रिट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भाजयुमो का विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित हुए युवा तो पुलिस से हुई झड़प। बीकानेर हाल ही में प्रदेश में आयोजित हुई रिट परीक्षा में धांधली को लेकर सोमवार को भाजयुमो द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी बीकानेर देहात चैन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बीकानेर में देहात वे शहर भाजयुमो के अध्यक्ष जसराज सिंह एवं वेद व्यास के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तुरसिल सर्किल पैदल मार्च करके कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए कहा कि सरकार रिट उत्सव के रूप में मना रही है, जबकि ये रिट उत्सव नहीं चिट उत्सव था, जिसमें जमकर धांधली हुई है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस खिलवाड़ को भारतीय जनता युवा मोर्चा कभी सहन नहीं करेगा। प्रदर्शन में शामिल भाजयुमो के प्रदेश मंत्री रजनीश कस्वा ने बताया कि रिट परीक्षा के दौरान जगह जगह धांधली हुई, जो कि खुलकर सामने आई है। इस धांधली के कारण मेहनती वे अपने परिवार से दूर रहने वाले बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव किशन मारू ने कहा कि बत्तीलाल जैसे कई लोग पकड़े गए हैं, जो कि नकल गिरोह में शामिल है। उन्हें शिक्षा मंत्री की सपोर्ट प्राप्त है। प्रदेश संयोजक भवानी पाईवाल ने कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई एजेंसी से जांच करवाई जाए, ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो पदाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर पर लगे बैरिकेड्स पर चढ़कर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिंह ने भी कड़े शब्दों में तानाशाही रवैया की निंदा की।